काफी दिनों से मैं ढूंढ रहा था वाल्मीकि अचार का एक प्रॉब्लम, और फाइनली आज मुझे वो मिल गया है आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाने का मौका। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर वाल्मीकि अचार नॉर्मल दिख रहा है ना, फिलहाल बंद है। अभी मैं ठंडा पानी खोला, बाहर की साइड आपका हेड घुमा है। अभी मैं गर्म पानी का हेड खोलता हूँ तो सेम बाहर की साइड आपका हेड घूमना चाहिए, लेकिन यहाँ देख लीजिए ये आपका इनसाइड हेड घूम रहा है। ऐसे काफी लोगों का प्रॉब्लम है ये सिस्टम। अभी मैं हेड जो है बंद कर दिया हूँ, मतलब जब खुलता है किस साइड होना चाहिए देख लीजिए, इस तरीके से बाहर होना चाहिए, लेकिन ये बाहर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? स्पिंडल आप जब ये करते हो ना, नया लगाते हो, तब ये प्रॉब्लम होता है। ये देख लीजिए इनसाइड आपका चालू हो रहा है, और ये इनसाइड करता हूँ तो आपका ठंडा पानी बंद है, अभी गर्म पानी चालू है। आप देख लीजिए गर्म पानी बाहर हुआ, बंद हुआ। अब मैं कंपनी का नल दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ओके देखिए यहाँ पर जो है कंपनी का नल है, मैं अभी ठंडा पानी ऑन किया, जैसे कि बाहर की साइड घूम रहा है, गर्म पानी भी ऑन कर रहा हूँ तो बाहर की साइड घूमा। अब इसे ठीक कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, अगर इस तरीके से रखेंगे यहाँ तो दोनों बाहर की साइड घूमेगा तो पता चलेगा। लेकिन ठीक करने का तरीका, सबसे पहले हम इसे खोल लेते हैं लिंक देकर। ऐसा प्रॉब्लम बहुत सारे घर में हुआ है ये तो पक्का है। और सर जी अगर चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि प्लम्बिंग का बहुत सारा ऐसा टिप्स आपको मिलता रहेगा। और यहाँ स्पिंडल जो हमेशा खुलता है वो देख लीजिए किस तरीके से खुलता है, तो उस साइड खोलिएगा तो खुलेगा, अगर उल्टा साइड घुमाएंगे तो टाइट होता रहेगा और कहीं नल ना तोड़ दे आप, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। ओके पानी फिलहाल यहाँ पर जो है बंद है, ये थोड़ा सा पानी है निकला। अब यहाँ पर देख लीजिए ये स्पिंडल है, स्पिंडल में सिंपल से आपको क्या करना है, ये साइड में एक लॉक देख रहा है आपको, इस लॉक को आपको खोलना है किसी भी मतलब स्क्रू ड्राइवर जो होता है ना उससे, स्क्रू ड्राइवर लेकर आपको इस तरीके से यहाँ पर प्रेस करना है और ये निकल जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर जो है मेरा ये निकल चुका है। उसके बाद वायसर को इसे निकालना है, और उसके बाद जो है इस तरीके से हल्का सा नीचे साइड को इस तरीके से ठोकिए। ओके अब ये जो है बाहर आ चुका है, इसका ये निकल चुका है पत्थर पहले का। ओके कोई बात नहीं, वो निकल जाएगा भी चलेगा। उसके बाद आराम से आपको ऐसा धीरे धीरे निकालना है। उसके बाद क्या करना है, ये जो आपका लॉक है ना, इस लॉक को इस तरीके से निकालना है, और ये आप देख रहे हो प्लास्टिक में एक चौरस प्लस आइकॉन जैसा दिख रहा है, मतलब आपका इस तरीके से था ना, तो धीरे से घुमा के आपको क्या करना है, इस तरीके से फिर कर देना है। मतलब ये जो आप देख लीजिए यहाँ पर मैं सीरा दिखा रहा हूँ, सीरा मतलब माइनस, ये जो है आपका माइनस आइकॉन है। ओके माइनस आइकॉन को आपको क्या करना है, जो प्लस आइकॉन का लोकेशन में जिस सिस्टम से बैठा था उसका लोकेशन सिर्फ एक बार चेंज कर देना है, मतलब इस सिस्टम से बैठा था तो आपको इस साइड मूव कर देना है। यहाँ पर खोलते खोलते एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो ऊपर का वाइसर देख रहे हो ना आप, तो इस चीज को भी आप ध्यान दीजिएगा, ये गिर जाएगा तो लीकेज चालू हो जाएगा, तो इस चीज को आप लगा दीजिएगा वहां पर। उसके बाद इसे जैसा था उस तरीके से फिट कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर और भी एक चीज का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कुछ नहीं आप भूल सकते हो, मतलब फर्स्ट टाइम अगर आप इस तरीके से बाहर निकालते हो और ये समझ लीजिए इस तरीके से खोलते खोलते ये गिर गया, तो आपका जो लॉक है वो कौन सा पोजिशन में था वो तो आप देखे नहीं हो, गिर गया है, तो इसे आप फिर से किस तरीके से ठीक करेंगे, बार बार आप इसे लगाएंगे फिर जाकर चेक करेंगे, इस तरीके से नहीं कर सकते। यहाँ पर सिंपल सा ट्रिक है, ये देख लीजिए, ये नोजल जो है ना आप नहीं भी निकालेंगे चलेगा, मैं दो टाइप का दिखा दिया ताकि आपको जो समझ में आए उस तरीके से करिए। इस नोजल को आप फिट कर लीजिए, लॉक भी मत निकालिए, कुछ मत निकालिए। यहाँ पर क्या करना है आपको, सिंपल सा आपकी साइड स्पिंडल घुमाता हूँ, देख लीजिए ये स्पिंडल का जो हेड है ना, चूड़ी माथा, ये आपको बाहर की साइड इस तरीके से घुमाना है। ओके बाहर की साइड घूमेगा तो क्या होगा, मेरा गर्म पानी आएगा, तो मैं इसे बाहर की साइड घुमा के रखा। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आता है तो हेड रख लीजिए, हेड इस तरीके से लगाना है। ओके तो ये जो है मेरा इस साइड हो रहा है, मतलब ये बाहर हो गया मेरा हेड, आप इसे आपको निकाल लेना है। अब आपको ये सेरामिक लेना है, सेरामिक का एक लॉक आता है, जैसे कि ये लॉक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है आपका ये स्पिंडल का होल और सेरामिक का ये जो खड्डा जैसे दिख रहा है ना, मतलब ये जो खड्डा है ना, इस खड्डे को और आपका इस होल को मैच करके इस तरीके से स्ट्रेट ले जाना है। ओके उस स्ट्रेट में इस तरीके से रखिए और उसके बाद प्रेस कर दीजिए, उसके बाद नोजल को हल्का सा हिलाइए और ठीक बैठ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए मैं हेड लगाया, ये आपका होल टू होल इस तरीके से मैच होना चाहिए, मतलब होल दिखना चाहिए। अब राइट साइड किया, बंद हुआ, ऐसे बंद हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए बंद हुआ है ना, अब इसे मैं लेफ्ट साइड करता हूँ, देख लीजिए हेड को, तो लेफ्ट साइड हुआ तो मेरा ये खुल चुका है। यहाँ आप देख लीजिए ऐसा खड्डा दिखेगा तो ये खुल गया। अब उसके बाद इस पत्थर को आपको क्या करना है, यहाँ लॉक देख रहे हो आप, ये लॉक और आपका स्पिंडल में भी ऐसा लॉक आता है दोनों साइड, तो उस लॉक को देखकर आपको सेम क्या करना है, इस तरीके से रखना है और उसके बाद इसे प्रेस कर देना है। तो ये हो चुका है कंप्लीट फिट। उसके बाद वाइसर आप लगा दीजिए, और लगाने के बाद आपका इस लॉक को जो है पहले भी लगाया हुआ रहेगा तो चलेगा, क्योंकि लॉक अगर इस सिस्टम आप समझ गए तो लॉक नहीं भी खोलेंगे चलेगा, लॉक रहेगा ऐसा। और देख लीजिए यहाँ ये मेरा हो चुका है कंप्लीट। अब चलिए मैं स्पिंडल लगा देता हूँ। अब उसके बाद पानी चालू करके दिखाते हैं आपको, ये आइडिया आपका कैसा लगा बताइएगा। हम में से बहुत सारे घर में, आपको पता है जिसके घर में वाल्मीकि अचार लगा है ऐसा सिस्टम उनके पास प्रॉब्लम हुआ है, अगर वो स्पिंडल इस तरीके से लगा चुके है तो। लेकिन एक चीज जानकर रखियेगा, ये स्पिंडल का नाम है सिरामिक स्पिंडल, ये सिरामिक स्पिंडल में होता है, राउजिंग स्पिंडल में ये सिस्टम नहीं होता है, आने वाला टाइम में शायद हो सकता है। और अगर आप नल का 5 बेहतरीन टिप्स अभी तक नहीं देखे हो तो वीडियो के एंड में जो वीडियो आएगा उसे क्लिक करके
देख लीजिएगा, आपका हर नल का खर्चा बचा देगा। या फिर इस चैनल का प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए, टैप लीकेज रिपेयरिंग टिप्स, वहाँ पर आपको नल से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर चलिए पानी चालू करके और एक बार दिखाते हैं। यहाँ देख लीजिए कंपनी का जिस सिस्टम से पानी ऑन होता है, मतलब कंपनी का सेट जब आता है, तो इस सिस्टम से होता है, दोनों साइड बाहर बाहर होता है और पानी ऑन होता है। तो ये एकदम बिल्कुल सक्सेस हो गया है, तो इस तरीके से आप करिए। और अगर वीडियो समझ में नहीं आता है तो दोबारा देख लीजिएगा, आपको परफेक्टली समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं एक वीडियो को 3 से 4 घंटा लगाता हूँ बनाने के लिए, ताकि जो प्लम्बर नहीं है उसे भी समझ में आ जाए आसानी से। और इस चैनल को क्या सिर्फ प्लम्बर सब्सक्राइब करेंगे, आप लोग नहीं करेंगे, आप लोग भी जरूर करिए, सपोर्ट करिए। फिर मैं आप लोगों के साथ फिर से कोई अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।